पाकिस्तान से टक्कर लेगा नेपाल। एशिया कप का पहला मुकाबला 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। नेपाल की टीम पहली बार एशिया कप का हिस्सा बनी है। मेगा टूर्नामेंट में नेपाल को भारत और पाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू में दिया बयान। पाकिस्तान के अलावा दूसरी टीमों से रहना होगा सावधान। रोहित शर्मा ने बताया कि हमें पाकिस्तान के साथ श्रीलंका और अफगानिस्तान से सावधान रहना होगा, ये टीमें दे सकती हैं हमें टक्कर। कप्तानी को लेकर भी रोहित शर्मा ने अपने दिल की बात कही। कहा, कप्तानी पसंद और नापसंद से नहीं चलती। वर्ल्ड कप से बाहर होने पर खिलाड़ी को लगता है खराब। इंटरव्यू में रोहित शर्मा ने 2019 वर्ल्ड कप का भी जिक्र किया। रोहित ने बताया कि 2019 वर्ल्ड कप के दौरान मेरा मेंटल लेवल काफी मजबूत था और मैंने काफी अच्छी तैयारी की थी। पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज और पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने एशिया कप जीतने के प्रबल दावेदार के बारे में अपनी राय रखी है। वसीम अकरम ने किसी भी टीम को खिताब का प्रबल दावेदार नहीं माना है। उनके मुताबिक सभी टीमें अच्छी हैं और सभी 6 टीमों के लिए राह आसान नहीं होगी। भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट से तेजी से रिकवर हो रहे हैं। पंत ने साइकिलिंग करते हुए वीडियो शेयर किया है। अगले साल होने वाली इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए ऋषभ पंत टीम में वापसी कर सकते हैं। टीम इंडिया को पंत ने सुनाई गुड न्यूज। वीडियो देखकर फैंस हुए खुश। एशिया कप रवाना होने से पहले विराट कोहली ने किया नया हेयर स्टाइल। नए हेयर स्टाइल का फोटो विराट ने खुद सोशल मीडिया पर किया शेयर। एशिया कप के लिए टीम इंडिया जल्द श्रीलंका रवाना होगी। विराट कोहली ने एशिया कप में 11 मैचों की 10 पारियों में 613 रन बनाए हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने एक इंटरव्यू में दिया बयान। कहा, भारत पाकिस्तान दोनों ही टीमें अच्छी हैं। दोनों टीमों की अपनी ताकतें और कमजोरियां हैं। रिजवान ने बताया कि स्टार खिलाड़ियों के एक्सपीरियंस से टीम को होता है बहुत फायदा। सीनियर खिलाड़ी प्रेशर को बहुत बेहतर ढंग से निपट सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज से बाहर हो गए हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि मैक्सवेल को माइनर इंजरी है। द अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मैच से पहले प्रैक्टिस के दौरान मैक्सवेल के बाएं हाथ की कलाई में लगी चोट। न्यूजीलैंड के केन विलियम को 2 हफ्ते में साबित करनी होगी अपनी फिटनेस। भारत में होने वाले ODI वर्ल्ड कप खेलने पर सस्पेंस। केन विलियमसन को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम देना चाहती है पूरा समय। टीम ने विलियमसन को फिटनेस साबित करने के लिए 2 सप्ताह का और समय दिया है। क्रिकेट के इतिहास में पहली बार खिलाड़ी को मिला रेड कार्ड। लाइव मैच से एम्पायर ने किया बाहर। कैरिबियन प्रीमियर लीग के दौरान मैच से बाहर हुए सुनील नरेन। स्लो ओवर रेट की वजह से सुनील नरेन पर पड़ी मार। ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट किट्स के बीच था मुकाबला। ट्रिनबागो की टीम पर लगा स्लो ओवर रेट का जुर्माना।